उस वक्त एक पीएससी का एग्ज़ाम हुआ करता था जिसे हम मैट्रिक का एग्ज़ाम समझते थे। उसके बाद मैं बम्बई आया और कुरला अंजुमन का मैं स्टूडेंट हूँ। मेरी अंग्रेज़ी 9वीं क्लास तक भी अच्छी नहीं थी। 10वीं क्लास में जब मैं गया था, नहीं 10वीं और 11वीं में, तो वहाँ पर प्रिंसिपल थे तसद्दुक हुसैन साहब। तसद्दुक हुसैन साहब ने वो अंग्रेज़ी लेते थे और उन्होंने कहा कि आपको रोज़ एक सबक जो है या एक सफ़ा जो है वो तैयार होकर आना है। तो मैंने डिक्शनरी और गाइड दोनों खरीद दिए थे और जब मैं दूसरे दिन क्लास में पहुंचता था तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था या सवाल नहीं था जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता था। तो उसने मेरे अंग्रेज़ी को आगे बढ़ाया, इसलिए कि अंग्रेज़ी का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैं लार्सन एंड टुब्रो में लगा, वहाँ भी मुझे अंग्रेज़ी का सहारा नहीं। उसके बाद मैं कॉलेज गया, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल में गया था, वहाँ से लार्सन एंड टुब्रो में गया। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं लार्सन एंड टुब्रो से कतर चला गया, वहाँ एक ब्रिटिश कंपनी में था और वहाँ ब्रिटिश लोगों के होने की वजह से बोलने की प्रैक्टिस होगी और किसी भी जबान को प्रैक्टिस के बगैर बोला नहीं जा सकता। उसने मुझे काफ़ी मदद की। लेकिन ये सब कैसे हुआ उसको मैं शुरू से बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तालीम जो है वो खैराती इदारों से मदद लेकर मुकम्मल की थी, तो मुझे उसका एहसास था। तो जैसे मैंने पहली मुलाजमत लार्सन एंड टुब्रो में की, उसी साल तकरीबन 1973 में हमने वडाला में एक स्टूडेंट एड सेंटर बनाया और पहले साल हमने 60 से 70 बच्चों को किताबें और कापियाँ दी। जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सोसाइटी से लिया उसे वापस देने की कोशिश की, तो ये शुरुआत थी। वहाँ से मैं कतर पहुँचा, तो कतर पहुँचने से पहले मैं यहाँ पर सामाजिक तौर पर रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ़कीर मोहम्मद बिस्तरी जिन्हें सोशल वर्करों का वली कहा जाता है, जो मेरी पहली किताब छपी नकुशा यार, तो मैंने उनके नाम ही मंसूब कर दी थी, इसलिए कि वो सब लोगों को, उनको लोगों को किस तरह बढ़ाना, टैलेंटेड लोगों को, उनको बहुत अच्छा आता था। तो वहाँ से फिर मैं कोकन एम्बुलेंस का पहला नौजवान मेंबर था, सबसे कम एज का जो उसमें था, लेकिन क्योंकि मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे इसलिए मैं कतर चला गया। और कतर जाने के बाद में मैंने एक साल तक सिर्फ मुलाजमत की, वहाँ पर ब्रिटिश लोग काम करते थे। एक साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तानी की अहमियत नहीं समझते, तो मैं लेबर कोर्ट में चला गया 11 महीने के बाद। और वहाँ जाकर मैंने अपनी केस को जीता और जीतने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ कोर्ट में इसलिए गया कि मैं आपको बताना चाहता था कि हिंदुस्तानी की अहमियत क्या है। मैं जॉब छोड़कर वापस आ गया, हमारे घर वाले परेशान थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उस दौरान में इसलिए कि आप जब सही होते हैं तो अल्लाह का साथ आपके साथ होता है। तो एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सका इसलिए कि मुझ में हिम्मत नहीं थी, आप में हिम्मत है, आप पूरा कर लो, मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा। और वो साहब मुझे एक साल के बाद वापस लेकर गए थे, जिनका नाम था गुलाम मोहिद्दीन खतीब, जो गोहर पर टिप्पणी के हैं। वहाँ जाकर से तरक्की शुरू हुई और तरक्की के साथ साथ 10 साल का मौका तो मैंने समझे मुलाजिमत की कंपनी में पार्टनर भी रहा। उसके बाद 1995 से मुझे अकेले काम करने का मौका मिला और जब अकेले काम करने का मौका मिला तो मेरे टैलेंट को जाहिर करने का भी मौका मिला, इसलिए कि आप दूसरे लोगों से मिलकर करते तो नहीं होता। तो वो जो एक बढ़ते गया, आज तकरीबन मैं एक दर्जन कंपनियां चलाता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने आप को बिजनेसमैन कहना पसंद नहीं करता, मैं एजुकेटिस्ट हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स। सर ऐसा कौन सा मोड़ था जहाँ पे आप फिलंथ्रोपी की लाइन चल पड़े थे? जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने तो खैराती इदारों की दी थी, हमारे माँ बाप से हमने सीखा था, क्योंकि मैंने देखा था हमारी माँ कहती थी जब कोई यतीम लड़की की शादी हो जाए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। तो वहाँ से हमने शुरू की, फिर हमारे रफीक बुरकर साहब उस्तमाही शादियाँ करते थे, तो हमने उनको बोल रखा था जब भी लड़कियों की शादियाँ होगी वो 1000 रुपये लेते सबसे, तो सब हम उसकी कफालत करेंगे। उसके बाद जब हमारे अब्बा किसी मैयत में जाया करते थे तो मम्मी कहती थी थोड़े पैसे साथ में लेकर जाना, शायद उनके पास कफन कफन देते थे। तो वो एक जज्बा आ गया था, फिर जैसे ही बिजनेस बढ़ते गया तो जाहिर है कि डॉलर्स भी साथ आती गई, जो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उसका ज़कात तो सिर्फ 2% होती है, मैंने उसको कई फीसदियों में काम को देना शुरू कर दिया। सर आपके हिसाब से आज के हालत में जो उर्दू स्कूल की जो हालत बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए जो प्रिंसिपल साहब और टीचर्स लोग जो है, आप क्या अनुरोध कर सकते हैं उनके बारे में? उर्दू वाला हिस्सा छोड़ दें, इसलिए कि सेमी इंग्लिश में आधा उर्दू तो आई है, इसलिए कि हमको बच्चों को कॉलेज के लिए दिया, वो आप करेंगे और क्वालिटी लाएंगे तो सब कुछ होगा।
एक आपको बात बताता हूँ, हमने एक सर्वे किया था कोकन का कि जितने लोग अपने सतह से उठकर ऊपर चले गए और जिन्होंने कई पोजीशनें हासिल की वो कौन से मीडियम के थे, वो सब के सब उर्दू मीडियम के थे, वो अंग्रेजी मीडियम के नहीं थे। और एक आपको बात बताता हूँ, अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना फैशन हो गया है, लेकिन एक मसला जो है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हमारे गाँव के सब लोग घर छोड़कर चिपलून आ रहे हैं, उधर पेट जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पहुँचते और अंग्रेजी सिखाते, लेकिन बच्चों को अगर अंग्रेजी का माहौल घर में नहीं मिले, एक बात याद रखना, 5 साल से लेकर 10-12 साल तक जो बच्चा जितना ग्रस्त कर लेता है या हस कर लेता है, उसके बाद वो बाद में मुश्किल हो जाती, तो उस बच्चों को चूँकि अंग्रेजी का माहौल नहीं मिलता इसलिए वो आपके अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता, तो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो दबते जाती है और आगे नहीं बढ़ सकता। आप एक बात समझे, अपनी जबान यानी कोई भी एक जबान को माहिर होने के लिए, जैसे आप देखते हैं मोदी जी जब किसी भी जगह जाते हैं तो हिंदी में तकरीर करते हैं, यूएनओ में जाकर हिंदी में बोलते हैं, वो अंग्रेजी भी अच्छी बोल सकते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो उसमें अपना जाहिर कर सकते हैं। तो जब इंग्लिश मीडियम जाना है तो इंग्लिश की पूरी तैयारी के साथ जाएँ, घर वालों ने भी उस पर कोशिश करना चाहिए, ट्यूशन पर कोशिश करना चाहिए, ताकि किसी एक जबान में तो मुकम्मल हो जाए। कोकनी माउंटेनियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। और आपसे एक सवाल है मेरा कि कतर में आप खुद स्कूल चलाते हैं और बाहिसियत एक ट्रस्ट की आप कोकन की स्कूलों में क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं और आप स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा, इसलिए कि पैगाम मैनेजमेंट के लिए बच्चों के लिए नहीं है, जितने स्कूल हम कतर में चला रहे हैं वो सेमी कमर्शियल है, क्योंकि वहाँ पर हम चैरिटी के स्कूल चलाने का मतलब भी नहीं होता, इसलिए जो लोग फैमिलीज रखते हैं जिनके बच्चे हैं वो अप टू डेट हैं, वो अलग बात है, यहाँ पर हम चूँकि लोग चैरिटी की तरफ से करते हैं। मैं आपको एक पॉलिसी की बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो फेल्ड मिजरेबल, उस पर तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है, ताकि तो भी हम सियासत की तरफ नहीं जाते, तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि हम सिर्फ एक चैरिटी अदारा बनाकर स्कूल चलाने के बजाय हम कमर्शियल एस्पेक्ट पर सोचें। वो कमर्शियल एस्पेक्ट ये है कि या तो आप ऐसी जगह जगह ले लें जो रोड पर हो, ताकि आप उसको आधा कमर्शियल कर सकें और उससे इनकम मिल सके आपको, इसलिए कि इदारों का सेल्फ फंडिंग होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगा ना तो आप किसी जगह जाकर मार पाएंगे, इसलिए कि भीख मांगकर जिंदगी भर काम नहीं किया जा सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि सोशल वर्क वही कर सकते हैं जिसको भीख मांगना है, लेकिन अगर हम एक दूसरा तरीका सोचें, अगर आपको स्कूल को 3 करोड़ की ज़रूरत है, आप 50 लाख के 6 आदमी भी जमा कर सकते हैं या 20-20 लाख के या 10-10 लाख के, आप एक कमर्शियल सेटअप करें, वो कमर्शियल सेटअप जरूरी नहीं है कि दूसरे बच्चों को तालीम नहीं मिली, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो एक प्रीएम्बल बनता है, उसमें ही लिखा जाएगा कि उसका 33% जो है इनकम वो चैरिटी में चला जाएगा, तो ये होगा कि आप हर 100 बच्चों को, और वो स्कूल ऐसा बनाए जिसमें सबको अट्रैक्ट हो जाए, दूसरे भी आना चाहिए क्योंकि उनके बच्चों को हमने इस्तेमाल कर, तो उनको उस फीस पर लाकर 100 में से 33 बच्चे आप गरीब बच्चों को आसानी से तालीम दे सकते हैं और वो तालीम दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत है क्वालिटी की, हम सच पूछो तो क्वालिटी तालीम दे नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम चौगले सर, आप बताइए कि सेमी इंग्लिश जरूरी है, हम पहले तो उर्दू मीडियम का स्कूल शुरू किए, हमको ये ऐसा होने लगा कि वक्त के साथ चलना जरूरी है, वो हिसाब से हमने सेमी इंग्लिश शुरू किए और आज माशाल्लाह पहली से लेकर हम 10वीं तक सेमी इंग्लिश हमारा जारी है, इंशाल्लाह आप जो बोले 12वीं है या सेमी इसमें तो वो भी जरूर अगले साल हो जाएगा इंशाल्लाह, ये बात जी अच्छी है, लेकिन आप जो टेक्निकल लाइन में गए हैं और टेक्निकल कॉलेज शुरू किए, इंशाल्लाह वो उसकी आज ज़रूरत है, अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लाइन में जाते तो लोगों की समझ है कि टेक्निकल से जल्दी पेमेंट आता है और जल्दी बेचारे का गुजारा होता है, इसलिए ज़्यादा मुस्लिम लोग टेक्निकल लाइन में जाते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जो लेडीज़ है जैसी नर्सिंग ये है और लेडीज़ के लिए अलग होम्स यूनिट जो ये है, तो वो शुरू करना ज़रूरी है, तो वो हिसाब से आप ये क्या
ये एक जरूर सोचते होंगे कि टेक्निकल लेडीज के लिए छोटे छोटे सेंटर क्यों नहीं शुरू करें, उस बारे में आपकी राय क्या रही है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ 10वीं और 12वीं या उससे आगे जाकर लड़कियों की तादाद बढ़ते जा रही है और लड़कों की कम होती जा रही है, और वो लड़के ड्रॉप आउट्स होते हैं। आईटीआई सिर्फ ड्रॉप आउट्स के लिए काम आता है या एसएससी पास किए के लिए काम आता है, उसमें लड़कियां बहुत कम होती हैं, एक आध शायद मिलेगी आपको। तो हमने वहाँ पर दाबोर, हमारे पास एक स्कूल है पोपली में जो उर्दू मीडियम का है, उसको बड़ी मुश्किल से हम चला रहे हैं, इसलिए कि बच्चों की तादाद, उर्दू स्कूलों को बच्चों की तादाद का मसला है। फिर हमारे पास एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल दाबोल में जिसके बिल्डिंग बन रही है, उसके बाद हमने आईटीआई बनाया, उसके बाद हमारा पॉलिटेक्निक का प्लान था, लेकिन हमने पॉलिटेक्निक को छोड़कर ये सोचा कि जगह भी बदली जाए और सब्जेक्ट भी बदला जाए। तो हम इंशाल्लाह 2 सालों में हम शुरू करेंगे, हम चुपलून में एक इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू करें। इसका फायदा ये है कि टेक्निकल में सिर्फ ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाने के बजाय पैरामेडिकल कोर्सेज में लड़कियां और लड़के दोनों या तो एसएससी किए हुए उससे नीचे के नहीं होंगे या तो 12वीं किए हुए, और उसमें इतने अच्छे 8-10 कोर्सेज देंगे जो जॉब ओरिएंटेड, हर एक को उससे जॉब मिलेगा। तो उसकी कोशिश हमारी जारी है और इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल था आपसे, आखिरी सवाल, कि हम देखते हैं कोकण के जो हमारे मुसलमान हैं वो गल्फ में जॉब करने को प्रेफरेंस देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के जरिए जाना चाहते हैं, आईटीआई कर रहे हैं, दूसरे टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या इसके अलावा भी कोई जैसे गल्फ कंट्री में बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे कोकण के बच्चों के लिए? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बड़ी तादाद में वहाँ से जा रहे हैं और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को कम पेमेंट लेना या बाकी सब चीज़ों का। मैंने कल इनसे इन्होंने बात की थी, इनके बच्चे टेक्निकल में जाना चाहते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, दाबोल में हमने आईटीआई शुरू कर दी है जिसकी बिल्डिंग जो है उन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने उसका एग्जामिनेशन किया था, कि ये महाराष्ट्र में सबसे अच्छा आईटीआई है। हमने क्या सोचा है आपको बताता हूँ, कि जब कोई भी बच्चा 70% से पास होगा हम उसको फादर एग्नल से सर्टिफिकेशन करा देंगे हमारे कॉस्ट पर। उससे ये होगा कि गल्फ में जाने वाले जितने टेक्नीशियंस होते, चाहे ड्राइवर हो, फिटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी हो, वो अगर फादर एग्नल से टेस्टिफाइड है तो उसको कबूल किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, हम सिर्फ स्किल वर्कर नहीं बनाना चाहते, हम ऑफिसर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन बच्चों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अंग्रेजी तालीम और ग्रेजुएशन के बगैर आप कोई पोजीशन नहीं बना सकते, इसलिए वो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। अब इसकी बातें हो रही एडुकेशन के बारे में, तो वाई नॉट हैव आवर ओन यूनिवर्सिटी? देखिए, आपका ओन यूनिवर्सिटी, ओन यूनिवर्सिटी का ड्रीम जो है ना, मेरा भी था, लेकिन नहीं, वो इतना आसान काम नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले 50 एकड़ जगह लगेगी, और आप जो यूनिवर्सिटी बनाएंगे उसमें आपको पॉलिटिशियंस को लाना पड़ेगा, तब जाके आपको इजाज़त होगी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और अब हिंदुस्तान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का वजन खत्म होते जा रहा है, इसलिए कि उन डीम्ड यूनिवर्सिटी को अमेरिका कनाडा जाने वाले लोगों के लिए वो मसला बन जाती है, वो सर्टिफिकेट वहाँ कबूल नहीं की जाती, इसलिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन हम जब सोच रहे थे तो हमने ये सोचा था स्कूल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम यहाँ तक रहें, कॉलेज में भी बहुत कम हम ध्यान देते हैं, इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ आपको आसानी से मिल सकता है, बॉम्बे चले जाएँ, लेकिन आपका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो कॉलेज का एजुकेशन तो वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन उनको बेस मजबूत करना, अगर बेस मजबूत नहीं हो तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। सर आप बोले कि सीनियर कॉलेज होना जरूरी है, और हम भी यही चाहते हैं कि सीनियर कॉलेज जरूर है, सीनियर कॉलेज के बाद जिसको डिग्री इंजीनियरिंग की मिलो या अदर इसकी टेक्निकल की डिग्री मिलो तो वो अपना कमांड कर सकता है, ये अपनी बात सही है। इसलिए हम भी सोचे अपने पास बात करने के बाद जूनियर कॉलेज हम यहाँ शुरू करें, सीनियर कॉलेज शुरू करें, इंशाल्लाह जरूर हम आपके आपको वादा देते हैं कि पावस में जूनियर कॉलेज जल्दी से जल्दी, सीनियर कॉलेज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं आप भी उसको साथ दें। एक मिनट, जब हम वहाँ पर इनके ऑफिस में बैठकर बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सीनियर कॉलेज बनाना इसलिए ज़रूरी है
कि जो यहाँ नज़दीक आसपास में जो भी स्कूल है कॉलेज है वहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा डेस्टिनेशन, तो उस फिर बाद में हमने और भी बात की, कुछ लोगों को पता चला डेस्टिनेशन होता होगा, वो तो हिंदुस्तान में अच्छा होता है, लेकिन हम हमारा एक और भी खराबी हमने, हम कंपटीशन पे उतरते नहीं है और जब फेल हो जाए तो बोलते नहीं नहीं उसने हम मैं ऐसा हूँ इसलिए नहीं किया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सीरियम कॉलेज अगर ये बनाना चाहते हैं तो बनाएं, इन्होंने कहा हमारे पास अगर 9 कमरे हो तो हम सीनियर कॉलेज शुरू कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर आप कॉलेज की परमिशन नहीं कराएं आपके 9 कमरे खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हसन चौगले साहब जिन्होंने हमारे इस पैनल के तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए और जी हम सबको महसूस किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत काजी सर से गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाएं। शौकत काजी सर, पावस एजुकेशन सोसाइटी की खुशनसीबी है कि उस मौके पर मोहतरम हसन अब्दुल करीम चौगले साहब की खिदमत में गौहरे कोकन का ये खिताब नवाजा जा रहा है। हसन अब्दुल करीम चौगले साहब, उनके लिए मैं कहूंगा फैज कुदरत से मिली ऐसी बसीरत आपको, राजहाए जिंदगी होते हैं जिससे आशकार, है यही हम सब का मंशा और हम सब की दुआ, रखे जिंदा।